हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। आज एक बिल्कुल नए और रेलेवेंट टॉपिक के साथ, डिजिटल पेडागॉजी, जिस पर बहुत बात हो रही है, बहुत लिटरेचर इस पर अवेलेबल हो गया है, बहुत सार्थक है ये इस वक्त जानना और हमें जानना चाहिए, इसलिए हम जानते हैं कि डिजिटल पेडागॉजी क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिजिटल पेडागॉजी से पहले हमको पेडागॉजी जानना होगा और हम जानते भी हैं, इसलिए इसको बहुत क्विकली सम अप करेंगे। वी कैन से दैट पेडागॉजी इज एसेंशियली अ क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइज डायरेक्टेड एट लर्निंग एंड टीचिंग, है ना। इसको हिंदी में देखें तो शिक्षण शास्त्र कहते हैं, साइंस एंड आर्ट ऑफ टीचिंग कहते हैं। इसीलिए थोड़ी सी डिफरेंट डेफिनेशन ली है मैंने कि एक क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइज है, मतलब कि हमको सोच कर चलते हैं, चिंतन करते हैं, क्रिटिकली हम सोचते हैं, मतलब ऐसे ही कुछ भी नहीं करते हैं, सोचते हैं क्या शिक्षण और अधिगम के विषय में, टीचर टीचिंग एंड लर्निंग के लिए सोचते हैं कि कैसे हम बेहतर पढ़ा सकते हैं, कैसे लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं। इसकी एक क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइज को ही पेडागॉजी कहा जाता है। और पेडागॉजी इज द टर्म दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस बिटवीन टीचर स्टूडेंट एंड द लर्निंग एनवायरमेंट एंड लर्निंग टास्क, है ना। ये एक अच्छी डेफिनेशन है इसकी, मर्फी ने 2008 में दी है कि रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस, यानी कि हमको सह संबंध, अंतर संबंध और अंतः क्रिया और रिलेशनशिप देखना है, किसके किसके बीच में, टीचर स्टूडेंट और द लर्निंग एनवायरमेंट एंड द लर्निंग टास्क। मतलब ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टीचर भी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट है, और लर्निंग टास्क और लर्निंग एनवायरमेंट, इनके बीच का जो रिलेशनशिप और इंटरेक्शन है वही पेडागॉजी है ना। इसका मतलब कई सारी चीज़ें इसमें ली गई हैं। फिर एलेक्जेंडर ने 2008 में क्या कहा, आउटलाइंस द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड पेडागॉजी। देखिए, टीचिंग और पेडागॉजी को एक मानना भूल है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, बाय इम्फेसाइजिंग दैट टीचिंग इज एन एक्ट व्हाइल पेडागॉजी इज बोथ एक्ट एंड डिस्कोर्स, है ना, कि टीचिंग जो है वो थोड़ा सा नैरो उसका रेंज है और पेडागॉजी का उससे ब्रॉड है। तो टीचिंग सिर्फ एक क्रिया है जबकि पेडागॉजी क्रिया और डिस्कोर्स दोनों है। फिर सीन 2013 में क्या कहते हैं, पेडागॉजी हैज एट इट्स कोर टाइमलीनेस, माइंडफुलनेस एंड इम्प्रोवाइजेशन, है ना। यानी कि ये कोई क्या आपकी स्टैटिक नहीं है बल्कि डायनेमिक है, इम्प्रूव होती रहती है और फ्यूचर इसमें इम्प्रोवाइजेशन के एस्पेक्ट्स खुलते रहते हैं। फिर पेडागॉजी कंसर्न्स इटसेल्फ विद द इंस्टेंटेनियस मोमेंट्री वाइटल एक्सचेंज दैट टेक्स प्लेस इन ऑर्डर फॉर लर्निंग टू हैपन। मतलब कि अगर आप गए क्लास में और जो चीज़ आप सोच के गए अगर वो नहीं हो रही है, घटित नहीं हो रही, तो हम इंस्टेंटेनियसली मोमेंट्री वाइटल एक्सचेंज करके भी वो चीज़ कर सकते हैं कि लर्निंग हो, मतलब एक्चुअल हमारा आउटकम क्या है कि लर्निंग होनी चाहिए। तो आई थिंक इट इज क्लियर व्हाट पेडागॉजी इज, देन डिजिटल पेडागॉजी। अब डिजिटल पेडागॉजी पे आ जाते हैं। क्या है डिजिटल पेडागॉजी, इट रिफर्स टू यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू गेट बेस्ट आउट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। यानी कि हमको डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है उसका बेस्ट आउटपुट चाहिए। इट इज एन इंगेज्ड एंड रिफ्लेक्सिव प्रैक्टिस एंड स्कॉलरशिप ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजीज, है ना। यानी कि प्रैक्टिस कैसी है, इंगेज्ड है, यानी कि हम लर्नर को भी इंगेज रखना चाहते हैं, रिफ्लेक्सिव है यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग इसमें इन्वॉल्व है, और स्कॉलरशिप है टीचिंग और लर्निंग की थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजीज। देन पेडागॉजी टेक्नोलॉजी एंड कंटेंट व्हेन केयरफुली कंसिडर्ड एंड इंटीग्रेटेड देन अ न्यू एक्टिव लर्निंग इकोसिस्टम इमर्जेस कॉल्ड एज डिजिटल पेडागॉजी। मीन्स पेडागॉजी मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगा और कंटेंट, ये तीनों जब कंसिडर्ड किए जाएंगे और इंटीग्रेट किए जाएंगे तो एक नया लर्निंग इकोसिस्टम इमर्ज होता है, मतलब एक नया पारितंत्र बन जाता है अधिगम का, सक्रिय अधिगम का पारितंत्र बन जाता है जिसको कि हम डिजिटल पेडागॉजी कहेंगे। यानी कि तीन चीजें कौन सी इंपॉर्टेंट है, पेडागॉजी, कंटेंट और टेक्नोलॉजी। ओके, फिर ब्रायन क्रॉक्सल क्या कह रहे हैं 2013 में, इट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स। यानी कि हमको इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स का यूज करना है, किस लिए करना है, टू इनहेंस और टू चेंज द एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशन। यानी कि देखिए बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है, कि देखने में छोटी लग रही है, कि हमको जो जो अनुभव शिक्षा का है उसको इनहेंस करना है या बदलना है, क्या करके, इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स का यूज करके। तो ये क्या क्या हो सकता है, दिस कैन बी एनीथिंग फ्रॉम द सिंपल यूज ऑफ पीपीटी इन क्लासरूम्स टू द खान्स एकेडमीज एग्जॉर्टेशन टू फ्लिप द क्लासरूम एंड द ग्रोथ ऑफ मूक्स सच एज यूडेसिटी एंड कोर्सेरा ऑफरिंग फ्री ऑनलाइन एजुकेशन टू द जनरल पब्लिक। मतलब कि छोटा सा सिर्फ एक पीपीटी आप क्लासरूम में यूज कीजिए या आप खान एकेडमी से कुछ कोर्स कर रहे हैं, मूक कर रहे हैं, कोर्सेरा से कर रहे हैं, यूडेसिटी से कर रहे हैं, इन सब में हो क्या रहा है?
रहा है कि जो आपका एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशन है या तो वो चेंज हो रहा है या इनहेंस हो रहा है, और यही डिजिटल पेडागॉजी है। फिर और क्या है डिजिटल पेडागॉजी? इट इज प्रिसाइजली नॉट अबाउट यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर टीचिंग, रादर अबाउट अप्रोचिंग दीज टूल्स फ्रॉम अ क्रिटिकल पेडागॉजिकल परस्पेक्टिव। मतलब कि हमको सिर्फ ये नहीं करना है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को हमको यूज कर लेना है, बल्कि हमको क्रिटिकल पेडागॉजिकल परस्पेक्टिव के थ्रू देखना है कि हम कहाँ क्या यूज करके बेस्ट आउटपुट पा सकते हैं। सिंपली ये बात है बस। सो इट इज एज मच अबाउट यूजिंग डिजिटल टूल्स थॉटफुली एज इट इज अबाउट deciding when not to use digital tools and about paying attention to the impact of digital tools on learning। यानी कि हमको सिर्फ ये नहीं देखना है कि हमको कहाँ कहाँ बस उसको यूज करने के लिए यूज कर देना है, बल्कि हमको ये भी क्रिटिकल एक एनालिसिस करनी है, एक परस्पेक्टिव लेके चलना है कि कहाँ हमको इसको यूज नहीं करना है। मतलब नॉट फॉर द सेक ऑफ यूजिंग, सिर्फ यूज करने के लिए यूज नहीं करेंगे, बेहतरी के लिए, चेंज करने के लिए यूज करेंगे। देन टू बिकम एन एक्सपर्ट इन डिजिटल पेडागॉजी वन नीड रिसर्च एक्सपीरियंस एंड ओपननेस टू ईच न्यू लर्निंग एक्टिविटी टेक्नोलॉजी और कोलैबोरेशन। अगर आप डिजिटल पेडागॉजी में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमको रिसर्च करने आना चाहिए या रिसर्च के हमको आउटपुट्स पता होने चाहिए, अनुभव होना चाहिए इस क्षेत्र में, और सबसे बड़ी बात हम ओपननेस हों, हमारे अंदर हो, हम ओपन हों, हम फ्लेक्सिबल हों, हम लिबरल हों, किसके लिए? चेंज के प्रति, कुछ नई चीज़ आ रही है उसके प्रति, तब हम डिजिटल पेडागॉजी में कुछ अच्छा कर सकते हैं। Then it demands that we rethink power relations between students and teachers, creation of more collaborative and less hierarchical institutions for learning। Means ये नहीं है कि जो teacher है वो upper stage पे है और जो student है वो lower stage पे है, इस तरीके का power relation नहीं चलेगा, बल्कि हमको hierarchical institutions जो learning के उनको more collaborative बनाना पड़ेगा। मतलब teacher भी आजकल क्या कहा जाता है? Co-learner। यानी कि स्टूडेंट के संग हम को लर्नर हैं, हम भी कुछ सीख रहे हैं, हम उनसे सीख रहे हैं, वो हमसे सीख रहे हैं, ये टू वे प्रोसेस है। ओके, देन फाइफी ने 2011 में क्या कहा है कि डिजिटल पेडागॉजी इज अडेप्टिंग मैनिपुलेटिंग एंड मेकिंग प्रोडक्टिव यूज आउट ऑफ ए गिवन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल कंटेक्स्ट और प्लेटफॉर्म। यानी कि हमको टेक्नोलॉजी से अडेप्ट करके, मैनिपुलेट करके कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव निकाल लेना है, यही डिजिटल पेडागॉजी है। देन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, देखिए ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की बहुत बात हो चुकी है, कौन से वाले? 1956 वाली जो हम लोग पढ़ते थे, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की, जिसके स्टेप्स थे क्या? नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन। वो अब पुरानी बात हो गई है। अब हम लोग बात करते हैं ब्लूम्स रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी की, जो कि 2001 में आई। और हम सभी लोग जानते हैं जो भी टीचिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, और अब तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि एवरी डिसिप्लिन का बंदा इसको जानता है, कि हमने क्या किया कि रिवाइज टैक्सोनॉमी में जो पुरानी टैक्सोनॉमी थी वो क्या थी? नाउन के फॉर्म में, और यहाँ वर्ब के फॉर्म में आ गई है। एक ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि लास्ट के जो दो स्टेप्स थे, मतलब नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन, यानी कि सिंथेसिस और इवेल्युएशन के क्रम यहाँ पलट गए हैं। यानी इवेल्युएशन वाला नीचे आ गया और सिंथेसिस ऊपर चला गया, जिसको इन्होंने क्रिएट या क्रिएशन या क्रिएटिंग का नाम दिया है। ओके, तो क्रम क्या हो गया? रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेलुएट एंड क्रिएट। यानी कि अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स रिवाइज टेक्सोनॉमी जो 2001 में आई, उसके हिसाब से क्रिएशन इज द मोस्ट अपमोस्ट पोजिशन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ओके, तो रिमेंबर में क्या है? उसी तरह से रिकॉल फैक्ट्स, अंडरस्टैंड में एक्सप्लेन आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स, अप्लाई में कि हम कहीं अप्लाई कर पाएंगे, यूज इन्फॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशंस कि अगर कोई हमको नई दशा मिलेगी उसमें हम उसको अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं, एनालाइज में ड्रॉ कनेक्शन अमंग आइडियाज, यानी कि विचारों के बीच का हम संबंध निकाल पाएंगे, इवेलुएट में जस्टिफाई अ स्टैंड और डिसीजन, किसी डिसीजन तक पहुंच पाएंगे, और क्रिएट में क्या होता है? प्रोड्यूस न्यू और ओरिजिनल वर्क, यानी कि हम कोई नया काम कर पाएंगे, हम कुछ नवीनीकरण उत्पादित कर पाएंगे कुछ। तो ये तो हुई ब्लूम्स रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी, और अब किसकी बात हो रही है? ब्लूम्स डिजिटल टेक्सोनॉमी भी आ गई है। ओ माय गॉड, ब्लूम्स डिजिटल टेक्सोनॉमी कब आई है? 2008 में, पर अभी भी ये बहुत लेस पॉपुलर है, बहुत लोग इसके बारे में नहीं जान रहे हैं, इस पर बात नहीं करते हैं ज्यादा। ये क्या है? वॉज डेवलप्ड बाई एंड्रयू चर्चेस as an extension of the original Bloom's taxonomy and creates a hierarchy of learning activities in a digital environment। yani ki inhone ye bataya hai ki jo hamara revised taxonomy thi wo agar digital environment
एनवायरनमेंट में जाएगी या हम उसको डिजिटल एनवायरनमेंट में प्लेस करें तो रिमेंबर का क्या मतलब हो जाएगा, क्रिएशन का क्या मतलब होगा, एप्लीकेशन का क्या मतलब होगा, ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हम कुछ नहीं तो यही याद रख सकते हैं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कब आई है, बीएस ब्लूम ने दी है 1956 में आई है, रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कब आई है, एंडरसन एंड रैथॉल ने दी है, 2001 में आई, एंड ब्लूम्स डिजिटल टैक्सोनॉमी कब आई है, ये एंड्री चर्चेज ने दी है और 2008 में आई है। ये देखिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एग्जाम्पल्स फॉर द डिजिटल क्लासरूम, जैसे रिमेंबरिंग है तो रिमेंबरिंग का डिस्क्रिप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, बी एबल टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। रिट्रीव यानी कि हम किस एनवायरनमेंट में बात कर रहे हैं, डिजिटल एनवायरनमेंट में, और डिजिटल एक्टिविटीज के लिए क्या हो जाएगी, आइडेंटिफाई अ लेजिटिमेट सर्च इंजन एग्जाम्पल गूगल, यानी कि रिमेंबर में हम ये कर सकें कि हम ये पता लगा सकें इस योग्य हों कि हम किसी लेजिटिमेट सर्च इंजन से कुछ रिट्रीव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। अंडरस्टैंडिंग में क्या कर सकते हैं, एबल टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग, जैसे सोशल बुकमार्किंग अगर हम कर पाते हैं तो हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हैं डिजिटल टैक्सोनॉमी के हिसाब से। एप्लीकेशन में अगर हम कोई एडिट अ विकी पेज सच एज ऑन विकीपीडिया पे अगर कोई पेज एडिट कर पाते हैं तब हम एप्लीकेशन लेवल पे हैं। जनरली हम ऐसा नहीं करते हैं, इसका मतलब हम लोग अभी तक ब्लूम्स डिजिटल टैक्सोनॉमी में रिमेंबरिंग के लेवल पर ही हैं। एनालिसिस में क्या करें, यूज एन ऑनलाइन सर्वे टूल। इवेल्युएशन में क्या करें, मॉडरेट एंड रिस्पॉन्ड टू कमेंट्स मेड ऑन ए ब्लॉग पोस्ट। जनरली वी आर नॉट यूजिंग ब्लॉग, वेरी फ्यू ऑफ अस हैव ब्लॉग्स एंड हैव सेवरल या रेगुलर अपडेट ऑन ब्लॉग्स, यानी कि हम लोग अभी बहुत पीछे हैं ब्लूम्स डिजिटल टैक्सोनॉमी के हिसाब से। और क्रिएटिंग क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स कैन लॉन्च एंड प्रोड्यूस देयर ओन पॉडकास्ट ऑन अ टॉपिक इन द करिकुलम। ओके, देन ये इसी का इन्होंने एक आपको डायग्राम बना दिया है, आप डायग्रामेटिक चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आती है कि रिमेंबरिंग में देखिए क्या है, गूगल, यूट्यूब, याहू, फिर अंडरस्टैंडिंग में क्या है, ईमेल हो रहा है, ट्विटर हो रहा है, टेडेक्स है, फिर अप्लाइंग में आपका पिकासा हो गया, गो टू वेब 20, एनालाइजिंग में माइंड ओमो, गूगल डॉक्स पे काम हो रहा है, इवेलुएटिंग में विकीपीडिया पे आप कुछ कर रहे हैं, एंड क्रिएटिंग में वॉइस थ्रेड या विकी स्पेस कुछ आपने लॉन्च किया। तो ये है एक तरीके का ब्लूम्स एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन टेकिंग इट टू द 21st सेंचुरी। देन ई कॉम्पिटेंस, अगर हम ई कॉम्पिटेंस की बात करें तो ई कॉम्पिटेंस क्या है, ई कॉम्पिटेंस में देखिए आपको क्या क्या आना चाहिए, हमको ई अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे पास, यानी इलेक्ट्रॉनिक अवेयरनेस, ई फॉर व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि अंडरस्टैंडिंग फ्रेमवर्क, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है तो हमको क्या होना होगा, लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना पड़ेगा, आईसीटी को मीडियम बनाना पड़ेगा, डिजिटल सिटीजनशिप, ये भी देखिए नया कंसेप्ट आ गया है डिजिटल सिटीजनशिप का। देन टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी का क्या मतलब कि हमको कॉन्फिडेंट होना होगा और क्रिटिकल ऑपरेशन कर सकना होगा, किसका, आईसीटी का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, एक्वायर्ड इन ए फॉर्मल एनवायरनमेंट, इनफॉर्मल बेस वगैरह। फिर मीडिया लिटरेसी का क्या मतलब है, मीडिया की लिटरेसी का कि अंडरस्टैंडिंग हाउ ट्रेडिशनल मास मीडिया एंड डिजिटल मीडिया आर मर्जिंग, यानी कि जो पुराना मास मीडिया का रूप था और जो नया डिजिटल मीडिया इमर्ज हुआ है वो कैसे आपस में मर्ज कर रहा है, ये मीडिया लिटरेसी है। फिर डिजिटल लिटरेसी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल स्किल्स एंड स्ट्रेटेजिक स्किल्स, क्रिएट, अडेप्ट एंड शेयर इंफॉर्मेशन और नॉलेज इन मल्टीपल फॉर्मेट्स, यानी कि जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग है उसको हमको इंटीग्रेट करना आना है, कैसे कि हम क्रिएट, अडेप्ट और शेयर कर पाए इंफॉर्मेशन को। फिर इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या है, रीड विद मीनिंग, यानी अर्थ के साथ पढ़ना, है ना, बस पढ़ जाने से हम चीज़ों को नहीं समझ पाते, हमें अर्थ को समझते हुए पढ़ना होगा, यानी कि हम रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी को असेस कर पाएँ, कनेक्ट एंड क्रिटिकली यूज द इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट फॉर्मेट्स डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट, यानी कि अगर हमारे पास ई अवेयरनेस है, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी है, मीडिया लिटरेसी है, डिजिटल लिटरेसी है एंड इन्फॉर्मेशन लिटरेसी है तो हम कह सकते हैं कि हम ई कॉम्पिटेंट हैं। अब बात करते हैं डिजिटल लिटरेसी की, ना डिजिटल लिटरेसी हमने देखा कि ई कॉम्पिटेंस का एक हिस्सा है, तो सिर्फ डिजिटल लिटरेसी से काम नहीं चलेगा ना, हमें तो डिजिटली कॉम्पिटेंट बनना है। तो क्या होगा उसके लिए कि डिजिटल लिटरेसी का जो टर्म है, दिस टर्म फर्स्ट इमर्ज्ड अराउंड 1997 व्हेन पॉल गिल्स्टर इंट्रोड्यूस्ड एज अ सेट ऑफ स्किल्स टू एक्सेस द इंटरनेट, फाइंड, मैनेज एंड एडिट डिजिटल इंफॉर्मेशन, join in communications and otherwise engage with an online information and communication network। देखिए
यानी कि आप और हम समझ गए होंगे कि हम लोग अभी जनरली क्या है, डिजिटली लिटरेट हैं ओनली, हम डिजिटल कॉम्पिटेंसी के लेवल तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हम यही तो करते हैं, एक्सेस करते हैं इंटरनेट को, फाइंड करते, कुछ ढूंढते हैं, कुछ मैनेज करते हैं, कुछ एडिट करते हैं डिजिटल इन्फॉर्मेशन, है ना, और विशेष हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। डिजिटल लिटरेसी इज द एबिलिटी टू प्रॉपरली यूज एंड इवेलुएट डिजिटल रिसोर्सेज, टूल्स एंड सर्विसेज एंड अप्लाई टू ए लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। इस लाइन से आप ये समझ गए होंगे कि जनरली हम डिजिटली लिटरेट भी नहीं है प्रॉपरली, है ना, क्योंकि हमको एबिलिटी टू प्रॉपरली यूज एंड इवेलुएट डिजिटल रिसोर्सेज, हम कहाँ डिजिटल रिसोर्सेज को इवेलुएट कर पाते हैं, बस यूज करते हैं, इवन हम ये भी नहीं समझ पाते कि वो रिलायबल इंफॉर्मेशन है या नहीं, उसको कितना यूज करना है, कट कॉपी पेस्ट करना है कि नहीं करना है, कॉपीराइट के इश्यू में फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं, ये सब हम कुछ नहीं जानते हैं जनरली, इन जनरल। तो हम लोग कायदे से डिजिटली लिटरेट भी नहीं है, और बात हो रही है डिजिटल कॉम्पिटेंसी की। तो डिजिटल कॉम्पिटेंस क्या है? इन कंसिडरिंग द नेचर ऑफ जनरल डिजिटल कॉम्पिटेंस, जेनसेन एट अल कमेंट दैट, क्या है डिजिटल कॉम्पिटेंसी? इट क्लियरली इन्वॉल्व्स मोर देन नोइंग हाउ टू यूज डिवाइसेज एंड एप्लीकेशंस, है ना, ये तो टर्म से ही स्पष्ट है कि लिटरेसी से भाई कॉम्पिटेंसी बेहतर स्थिति है। तो लिटरेसी में तो हम सिर्फ क्या जान रहे थे कि हम कैसे यूज करें डिवाइसेस को, तो इसका मतलब कॉम्पिटेंट होने के लिए हमको इससे ज्यादा जानना होगा कि हम सिर्फ डिवाइसेस और एप्लीकेशंस को यूज करना ही ना जाने, बल्कि क्या जाने, विच इज इंट्रिकेटली कनेक्टेड विद स्किल्स टू कम्युनिकेट विद आईसीटी एज वेल एज इंफॉर्मेशन स्किल्स। हमको और क्या क्या जानना है, सेंसिबल एंड हेल्दी यूज ऑफ आईसीटी, सिर्फ यूज़ नहीं करना है, सेंसिबल एंड हेल्दी, यानी कि कहीं हम साइबर क्राइम में तो नहीं फंस रहे हैं, कहीं हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जो इलीगल है, या उसका हेल्दी यूसेज क्या है, या हम किसी के संग कोई मिसबिहेव तो नहीं कर रहे हैं साइबर वर्ल्ड में, ये सारा कुछ हमको पता होना चाहिए। पर्टिकुलर नॉलेज एंड एटीट्यूड्स रिगार्डिंग लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स, है ना, क्योंकि प्राइवेसी बहुत बड़ा इशू है, सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है, हम किसको क्या मेल कर रहे हैं, किसको क्या मैसेज कर रहे हैं, क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका क्या टोन है, ये सारी चीज़ें हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये डिजिटल कॉम्पिटेंस का हिस्सा है, एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ आईसीटी इन सोसाइटी एंड बैलेंस्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। तो ये एक बड़ी भारी गहरी बात जेनसेन साहब 2013 में कह रहे हैं, तब हम डिजिटल कॉम्पिटेंस रख सकते हैं। एडिशनली द नोशन ऑफ कॉम्पिटेंस इंप्लाइज अ नीड फॉर कॉन्स्टेंट रिविजन, मतलब आप कॉम्पिटेंट है ना, तो बार बार आप अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, क्या नया आया वो सीखते रहते हैं, रिफ्लेक्टिंग चेंजेस टू टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स एंड यूजेस That take into account the evolving nature of technologies, है ना, रोज हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इवॉल्व हो रहा है कुछ नया, जो बहुत जल्दी obsolete हो जा रही हैं चीज़ें, तो हमको constant revision करते रहना होगा अगर हम digital competent बनना चाहते हैं। तो फिर digital competence is the ability to use ICT with proper pedagogical understanding and awareness of its impact students, impact over होना चाहिए, impact on students learning process, है ना, कि अगर हम आईसीटी को प्रॉपर पेडागॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के संग यूज़ करते हैं और हम ये जानते हैं, अवेयर हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट स्टूडेंट की लर्निंग प्रोसेस पे पड़ेगा, तो निश्चित रूप से हम क्या हैं, डिजिटली कॉम्पिटेंट। देन डिजिटल लिटरेसी डेवलपमेंट पिरामिड, एक डेवलपमेंट पिरामिड भी बना के दिया है बीथम एंड शापे ने 2010 में, ये कह रहे हैं कि एक हायरार्की है, हायरार्की आप समझते हैं ना, हायरार्की का मतलब कि हमारा क्रम सुनिश्चित होगा, निचले से ऊंचे स्तर पर जाएगा और उसका क्रम हम चेंज नहीं कर सकते, और ये बेस भी किस पे है, मैस्लो की जो मोस्ट पॉपुलर हायरार्किकल मॉडल है नीड का, नीड थ्योरी का, सभी लोग उसको जानते होंगे। इट हैज़ फोर लेवल्स, कौन से चार लेवल हैं, पहला लेवल जो देखिए सबसे निम्नतम लेवल है वो लेवल वन का है एक्सेस, यानी कि हमारी एक्सेस हो, हमारी पहुंच हो, हमारी पकड़ हो, किस तक, ए पर्टिकुलर डिजिटल टूल, तो जनरली हम लोग यहीं पे सीमित रहते हैं। लेवल टू क्या है, इंटेंसिव स्कैफोल्डेड टास्क्स, मतलब फंक्शनल स्किल टू यूज दैट टूल, अगर हमको फंक्शनल स्किल है उस टूल को यूज करने की, मतलब अगर वो कभी नहीं काम कर रहा है, कभी कैमरा नहीं वर्क करता है, कभी रिकॉर्डिंग करने चलिए तो आपका क्या ऑडियो सिस्टम गड़बड़ हो जाता है या कुछ भी दिक्कत आ जाती है, अगर आप उसमें फंक्शनल आप में कैपेबिलिटी है कि आप उसको ठीक कर सकते हैं, तब तो आप लेवल टू पे हैं। फिर डेवलपिंग रेपर्टॉयर, वन कैन प्रैक्टिस दैट टूल, मतलब आप इतनी बार कर चुके हैं कि एकदम आपको कोई भी चीज़ दिक्कत होती है आप फट से उसको खुद ठीक कर लेते हैं, इवन दूसरों की हेल्प कर पाते हैं, तो आप तीसरे लेवल पे हैं। देन एक्सटेंसिव ओपन एंडेड टास्क, इट इज़ एट फोर्थ लेवल एंड द हाईएस्ट लेवल, इट इज़ व्हाट आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स फॉर दैट टूल, अगर आप उस टूल के गुण दोष धर्म हानि सब चीज़ों से परिचित हो गए हैं, इसका मतलब क्या, उच्चतम स्तर पर पहुँच गए। इसी का एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये वही बीथम एंड शार्पे का 2010 का डिजिटल लिटरेसी का डेवलपमेंट पिरामिड है, ये क्या कह रहे हैं देखिए,
एक्सेस के लेवल को क्या कह रहे हैं, जो एक्सेस का लेवल है यानी अवेयरनेस का लेवल है, मतलब आई हैव एक्सेस टू सच टूल्स. फिर फंक्शनल स्किल्स का क्या मतलब है, आई कैन फंक्शन इट इन द पर्टिकुलर वे. देन प्रैक्टिसेस का मतलब आई डू चेंज, आई डू मैनिपुलेट, आई डू. एंड आइडेंटिटी मतलब आई एम यूजिंग दिस एंड दैट टूल विद ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड सच एंड ऑल. ओके, तो ये क्या है, बीथम एंड शापे का पिरामिड मॉडल ऑफ डिजिटल लिटरेसी डेवलपमेंट मॉडल है जो कि 2010 में दिया गया. फिर थ्योरी बिहाइंड डिजिटल पेडागॉजी, अगर हम बात करें कि कहाँ से इमर्ज हुई डिजिटल पेडागॉजी, इसके पीछे कौन सी थ्योरी थी. भाई हम लोग तो जनरली फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिविज्म जानते हैं, इन सब ने तो हमको डिजिटल पेडागॉजी के बारे में बताया नहीं. तो देखिए नई थ्योरी आ गई, कनेक्टिविज्म, न्यू वर्ल्ड थ्योरी है ये. जॉर्ज सीमेंस, जिनको आपने MOOC में भी पढ़ा होगा, कंसिडर्ड कनेक्टिविज्म एज ए लर्निंग थ्योरी फॉर द डिजिटल एज. ये क्या कह रहे हैं कि जो डिजिटल एज है, जो न्यू एज है, जो चल रहा है आजकल, उसके पीछे जो थ्योरी का रोल है वो क्या है, कनेक्टिविज्म है. अ सक्सेसर टू बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म. यानी कि बिहेवियरिज्म के बाद कॉग्निटिविज्म आया, कॉग्निटिविज्म के बाद कंस्ट्रक्टिविज्म आया, तो कंस्ट्रक्टिविज्म के बाद ये क्रम लिया है किसने, कनेक्टिविज्म ने. इट इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ नॉलेज बिटवीन ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस. देखिए अभी तक जितनी लर्निंग थ्योरीज थी वो कहीं नॉन ह्यूमन का जिक्र नहीं था. सोशल है, नहीं है, आदमी के अंदर है, आदमी के बाहर है, सब यही हो रहा था. लेकिन ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस के बीच में भी कोई फ्लो ऑफ नॉलेज हो सकता है, ये बात कहीं नहीं कही गई थी. ये बात क्यों आई, क्यों, क्योंकि अ नेटवर्क कंप्राइजिंग कनेक्शंस बिटवीन एंटिटीज व्हिच ही टर्म्ड एज नोड्स, दीज नोड्स आर इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, आइडियाज, रिसोर्सेज एंड कम्युनिटीज. मतलब जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है आपका, जितना मशीनरी है, जितना इंटरनेट है, जितना वायरलेस है, हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन जो है वो नॉन ह्यूमन से जुड़ा हुआ है. हम मोबाइल से जुड़े हुए हैं हर समय, सॉरी लैपटॉप से जुड़े हुए हैं. तो ये क्या है, कनेक्शन किसके किसके बीच में है, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन के बीच में. नॉलेज का फ्लो कहाँ से हो रहा है, फ्लो ऑफ नॉलेज बिटवीन ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस. तो ये एक नई चीज, यही कनेक्शन है जो वो कनेक्टिविज्म कहला रहा है. ही डिस्क्राइब्ड इट एज अ लर्निंग थ्योरी ऑफ द डिजिटल एज. पहली बात, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल लर्निंग इज ए प्रोसेस, है ना, प्रक्रिया है वो तो है हम जानते हैं. फिर किसके बीच में कैसे चल रही है प्रक्रिया, दैट अकर्स विद इन नेब्यूलस इन्वायरमेंट ऑफ शिफ्टिंग कोर एलिमेंट्स विच आर नॉट एंटायरली अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल. देखिए जो नॉन ह्यूमन्स का बिहेवियर है या जो मशीनरी में जो चल रहा है वो आपके कंट्रोल से बाहर है. इट इंटीग्रेट्स प्रिंसिपल्स एक्सप्लोर्ड बाई केओस, नेटवर्क, कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन थियरीज, एंड लेस एम्फेसिस on the ability to foster and maintain knowledge flow through social networks and to see connections between ideas and concepts. तो मतलब कह रहे हैं कि ह्यूमन और नॉन ह्यूमन के बीच का कनेक्शन है, ये नेटवर्किंग है, केओस है, और इस पर बियॉन्ड योर कंट्रोल है. और ये जो कनेक्शन बन रहा है नॉलेज का, यही कनेक्टिविज्म कहलाता है, कहलाया, और इसी ने डिजिटल पेडागॉजी को जन्म दिया है. देन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के भी मॉडल हैं. देखिए आप सिर्फ ऐसे ही टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उसके पीछे भी सिद्धांत बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे कि उसको फॉलो कीजिए. जैसे कि TPACK मॉडल जो है बहुत फेमस मॉडल है, पूनिया मिश्रा एंड मैथ्यू कोलर का है, ये डेवलपर्स हैं इसके. इन्होंने क्या कहा, कंटेंट दैट यूनाइटिंग टेक्नोलॉजी विद इन द क्लासरूम हैज फर्दर कॉम्प्लिकेटेड द टीचिंग प्रोफेशन, है ना. टीचिंग प्रोफेशन अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोफेशन है, क्योंकि आपको कितने तरीके के इंडिविजुअल से डील करना है, फिर आप कहा जा रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंस भी देखना है और बहुत सारी चीजें हैं. तो और जब उसमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन आ गया तो ये और कॉम्प्लिकेटेड हो गया. दे प्रपोज दैट अंडरस्टैंडिंग हाउ दीज बॉडीज ऑफ नॉलेज बोथ थियोरिटिकली एंड इन प्रैक्टिस इंटरैक्ट. यानी कि जब टेक्नोलॉजी और थियरी मिलती है, टेक्नोलॉजी और कंटेंट मिलता है, तो कैसे मिलेगा, है ना. विल प्रोवाइड टीचर्स विद द टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबल नॉलेज नीडेड टू सक्सेसफुली इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी यूज इनटू देयर टीचिंग प्रैक्टिस. तो ये मॉडल किस पे बेस्ड है, शुलमैन का 1986 में मॉडल था जो कि PCK कहलाया था. तो इन्होंने उसमें टेक्नोलॉजी और जोड़ के इसको TPACK बना दिया है ना, इंटरैक्ट विद वन अनदर टू प्रोड्यूस इफेक्टिव टीचिंग विद टेक्नोलॉजी. तो शुलमैन के 1986 के मॉडल पे बेस्ड है. देखिए आप इस चित्र से समझ सकते हैं, ये जो है एक सर्कल वो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का, एक सर्कल वो कंटेंट नॉलेज का, एक सर्कल पेडागॉजिकल नॉलेज का है. तो ये तीनों सर्कल जहां इंटरैक्ट करते हैं, और ये जो छोटा सा एक हिस्सा बनता है जहां पे इन्होंने एप्पल बना रखा है, वो क्या है, टेक्नोलॉजिकल पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज. यानी टेक्नोलॉजी भी आई, पेडागॉजी भी आई, कंटेंट भी आ गया, और ये बन गया TPACK. वैसे ये TPCK भी बन सकता था, लेकिन प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के लिए ए इसमें चल रहा है. तो TCK है, PCK है, PK है, TPK है, TK है, और TP
TPAC के हैं। तो ये एक बढ़िया मॉडल है। फिर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन मॉडल, ये एक अनदर मॉडल है, कम्युनिटी ऑफ इंक्वायरी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किसने दिया, क्या कह रहा है ये, द कम्युनिटी ऑफ इंक्वायरी फ्रेमवर्क हाईलाइट्स सोशल प्रेजेंस, टीचिंग प्रेजेंस एंड कॉग्निटिव प्रेजेंस एज एसेंशियल एलिमेंट्स टू फैसिलिटेट सक्सेसफुल एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस इन ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग एनवायरमेंट। मतलब ये कह रहे हैं, इतने लोग मतलब रिसर्च करते रहते हैं, हमको आपको बताते रहते हैं, जो हम लोग उतने भी नॉलेजेबल नहीं हैं, कि टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंटीग्रेट मत कीजिए, बल्कि टेक्नोलॉजी पेडागॉजी कंटेंट सब लेकर चलिए और उसको जुडिशियसली डेट कीजिए। फिर दूसरा मॉडल आया कि आपको क्या क्या चीजें सुनिश्चित करनी है अगर आप टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ा रहे हैं। सोशल प्रेजेंस होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बच्चा एकदम अपने आप को वो एकदम अलग थलग आइसोलेटेड पाए तो वो लर्निंग नहीं हो पाएगी, क्यों, क्योंकि लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस ना। फिर टीचिंग प्रेजेंस होनी चाहिए, यानी टीचर प्रेजेंस हो, ऐसा ना हो ऑल टुगेदर टीचर गायब है, बस उसने है ना कहीं उसका होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए किसी भी रूप में, गाइड के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में। और कॉग्निटिव प्रेजेंस जरूरी है, आप कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया जान रहे हैं, तो कॉग्निशन के बगैर तो चलेगा नहीं। यानी कि हम टेक्नोलॉजी को इस तरह से इंटीग्रेट करें कि ये तीन प्रेजेंस हम सुनिश्चित कर सकें, सोशल प्रेजेंस, टीचिंग प्रेजेंस और कॉग्निटिव प्रेजेंस। फिर द कम्युनिटी ऑफ इंक्वायरी इज अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर द ऑप्टिमल डिजाइन ऑफ ऑनलाइन लर्निंग एनवायरमेंट्स टू सपोर्ट क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल इंक्वायरी एंड डिस्कोर्स अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। गैरिसन, एंडरसन एंड आर्चर ने 1999 में ये डेफिनेशन दी। और ये क्या कह रहे हैं, ये डिस्क्राइब क्या करता है, हाउ लर्निंग अकर्स फॉर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लर्नर्स थ्रू द एजुकेशनल एक्सपीरियंस दैट अकर्स एट द इंटरसेक्शन। देखो वहाँ पे इंटरसेक्शन किसका हो रहा था, टेक्नोलॉजी के पेडागॉजी और कंटेंट का, और यहाँ भी इंटीग्रेशन ही है, किसका है, सोशल कॉग्निटिव और टीचिंग प्रेजेंस का। तो वो जो बीच में हिस्सा निकल कर आता है वो आपका COI बन जाता है, कम्युनिटी ऑफ इंक्वायरी। और इसकी जेनेसिस कहाँ है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है, इसको कहाँ से क्लू मिला है, जॉन डीवी से, एंड इट्स कंसिस्टेंट विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस टू लर्निंग इन हायर एजुकेशन। ओके, ये सोशल प्रेजेंस, कॉग्निटिव प्रेजेंस और टीचिंग प्रेजेंस पता है, ये इतना कोई खास नहीं है, आप इसको खुद पढ़ के जान लेंगे। फिर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन मॉडल, ये देखिए, ये चल रहा है आपका, ये सोशल प्रेजेंस हो गया, ये कॉग्निटिव प्रेजेंस हो गया और ये टीचिंग प्रेजेंस हो गया, और ये जो बीच में इसने इंटरसेक्ट किया है वो एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो है वो बेस्ट है। इस तरह से हमको टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करनी चाहिए। अब सोशल और सोशल और कॉग्निटिव मिल रहा है तो सपोर्टिंग डिस्कोर्स हो रहा है, कॉग्निटिव और टीचिंग प्रेजेंस मिल रहा है तो रेगुलेटिंग लर्निंग हो रहा है, सोशल और कॉग्निटिव मिल रहा है तो इंटरैक्शन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जानने वाली हैं। देन बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल पेडागॉजी इन क्लासरूम, क्या फ़ायदा हो कि हम इतना कुछ जाने करें, है ना, कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना, क्या फ़ायदा, देखिए एनी टाइम एनी वेयर लर्निंग हो गई है, मैं कभी भी बना रही हूँ वीडियो, आप कभी भी सुन रहे हैं ना, कितना एकदम अजूबा है, पहले ऐसा संभव नहीं था। सेल्फ पेस्ड है, हमारा जब मन करेगा तब हम सुनेंगे, जब हमको सबसे उचित लगता है, किसी को रात में जग के पढ़ना अच्छा है लगता है, किसी को सवेरे उठ के पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को धीरे धीरे, किसी को तेज, किसी को जल्दी, किसी को कब आते जाते, जैसे भी। सेल्फ पेस्ड, वेल ट्रैक्ड, आपने देखा होगा, कई आपने कोर्सेज किए होंगे, आप जानते होंगे मूडल के बारे में, ये एक ऐसा LMS है जो एकदम इतना ट्रैकिंग उसकी बढ़िया है कि आप कब उसमें एंटर हुए, कितने क्षण तक आप वहाँ रहे, आपने कोई फाइल क्लिक की कि नहीं, डाउनलोड की कि नहीं, इस तरह की जितने LMS है सब पे ये बहुत अच्छी ट्रैकिंग हुई, मतलब आप झूठ नहीं बोल सकते। फिर फ्लिप्ड लर्निंग, ये एक अलग कंसेप्ट है, आप जानते होंगे इसके बारे में, ब्लेंडेड लर्निंग, ऑनलाइन ऑफलाइन को किस तरह से बढ़िया एकदम यूज़ कर सकते हैं, कोलैबोरेटिव है ना, जब टीचिंग प्रेजेंस, सोशल प्रेजेंस की बात हो रही है, सब बात हो रही है, तो कोलैबोरेटिव तो है ही। एक्टिव लर्निंग, लर्नर पहली बार एक्टिव हो गया है क्लास में, तो कितने बच्चे पढ़ते हैं कितने नहीं पढ़ते हैं कोई आप उस पर रिकॉर्ड नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ तो हर किसी को फॉर्म सबमिट करना है, हर किसी को क्विज सबमिट करनी है, हर किसी को डाउनलोड करना है, तो आपको एक्टिव होना ही होगा। देन पर्सनलाइज लर्निंग, क्योंकि आप हर किसी के सेल्फ पेस्ड है तो पर्सनलाइज तो है ही, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर केटर करते हुए ये कोर्सेज बनाए गए हैं। एंड गेमिफिकेशन, गेमिफिकेशन का मतलब होता है यूज ऑफ गेम लाइक एलिमेंट्स इन नॉन गेम लाइक सिचुएशंस, है ना, यानी कि हम गेम, क्योंकि गेम जो है वो एक इंस्टिंक्ट हमारा, एक बेसिक नेचर है ना कि हम अच्छा लगता है हमको खेलना, तो अगर खेल पढ़ाई में खेल हो, क्विज हो, उसमें दिखा दिया जाए कि यू आर द टॉपर एंड आपको ये बैज मिल रहा है और इस तरीके का, जैसे काहूत वगैरह में होता है, तो ये बड़ा मज़ेदार बन जाता है। एंड यूज़ ऑफ AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज़ डिजिटल पेडागॉजी के, मतलब जब हमने इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स को इंक्लूड किया टीचिंग लर्निंग में, तभी तो हम AI का इस्तेमाल कर पा रहे हैं ना, और बहुत फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है AI का, और बहुत 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 बढ़िया होने वाला है सब कुछ, और भी
देन चैलेंजेस इन अडॉप्टिंग डिजिटल पेडागॉजी. इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है. क्या मुश्किलें आएंगी? लैक ऑफ रिसोर्सेज. इलेक्ट्रिकल पावर नहीं दे पाए हम आज तक 24/7, है ना. पता कोई बहुत ज़रूरी काम हो तब तक लाइट चली जाएगी, पता चला आपका लैपटॉप चार्ज नहीं है तो वाईफाई नहीं है, तो बहुत तरीके की दिक्कतें होती हैं. जब इलेक्ट्रिकल पावर ही नहीं है तो हम इंटरनेट कनेक्टिविटी की क्या बात करें, है ना, कि धीरे धीरे डाउनलोड होती है फाइल, जब ज़रूरी होगा तो कोई मैटर डाउनलोड नहीं होगा, तो जब फिर पढ़ने का एकदम वो मज़ा ख़राब हो जाता है ना, चीज़ें खटाखट खुलती जाती हैं तब मज़ा आता है पढ़ने में. फिर लैक ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वी हैव ओवर बर्डन, है ना, उस पर फिर ये ऑनलाइन आ गया, ऑनलाइन में इतने सारे टूल्स आ गए, सारी चीज़ें अचानक से सब हमारे ऊपर आ गई, तो कहाँ समय का कमी हो गई टीचर के लेवल पे भी, स्टूडेंट के लेवल पे भी, कि कैसे क्या क्या चीज़ें सीखेगा आदमी. फिर लैक ऑफ एक्सेस. गैजेट्स नहीं है सबके पास, उतना बढ़िया फ़ोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, पहुंच नहीं है उन सारे टूल्स तक, उतने प्रोग्राम्स तक, उतने ट्रेनिंग्स तक कि हम भी सब कुछ सीख जाएं. लैक ऑफ टेक्निकल सपोर्ट. कहाँ ये संभव हो पाया कि हर जगह जाके हम किसी को टेक्निकल सपोर्ट दे पाते और सिखाते? पीयर लर्निंग से सीखा, इधर उधर से सीखा, थोड़ा बहुत सीख लिया, इतना कि काम चल रहा है ना. फिर लैक ऑफ मोटिवेशन टू एक्सेल भी है. कोई नहीं मोटिवेट करने वाला है कि नहीं आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आप एकदम उच्च स्तर पे पहुंच जाइए, बल्कि अरे ठीक है हो जाएगा, या कितने दिन ये ऑनलाइन रहना है फिर ऑफलाइन हो जाएगा, हम चौक टॉक मेथड पे आ जाएंगे, क्या ज़रूरत है सीखने की, काम तो चल ही रहा है. ये वाला जो एटीट्यूड होता है वो बहुत बड़ा चैलेंज है इसके अडॉप्शन में. फिर रिजिडनेस ऑन द पार्ट ऑफ एजुकेटर्स टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज. बहुत से लोग हैं जो नहीं सीखना चाहते, उन्होंने कहा हमने पूरी ज़िंदगी ऐसे ही पढ़ाया, हम नहीं और कुछ नया जानेंगे या पढ़ाएंगे, या वो इस मामले में भी रिजिड हैं कि हमारा पुराना मेथड जो था वो अच्छा था. देखिए हर मेथड के अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, ऐसा नहीं कि पुराना सारा बेकार था और नया सारा अच्छा है, लेकिन कुछ तो पुराने में भी कमी है और कुछ नए में भी अच्छाई है, तो हम इतने ओपन रहें कि अच्छाइयों को ग्रहण कर सकें एटलीस्ट. देन पैसिव स्टूडेंट्स. आप लिंक भेजेंगे, बच्चे जुड़ेंगे और वो अपना ऑडियो वीडियो ऑफ करके बैठे रहें. अब आप दुनिया की कोई AI लगा दीजिए जानने के लिए कि आप उनको कैसे एक्टिव बनाएं, है ना. कम से कम वो अपना वीडियो ऑन करेंगे, वो अपना बीच बीच में कुछ पूछेंगे जांचेंगे, तभी तो आप उनको सारी चाहे जितना पर्सनलाइज लर्निंग कर दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है उसका. और इनकरेजिंग कोलेबोरेशन, जैसे ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, कुछ पूछ रहे हैं, कुछ गेमिफिकेशन चल रहा है, इस तरीके के अगर इंटरेक्टिव प्रोसेस हम करते हैं तो कोलेबोरेशन सीख होता है. नहीं तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि डिजिटल पेडागॉजी में हम कोलेबोरेशन को इनकरेज कर पाएं. फिर बैरियर क्या है, क्यों अवरोध आ रहा है? द बैरियर्स फॉर ओवरकमिंग मैनी ऑफ द चैलेंजेस रिलेटिंग टू डिजिटल डिलीवरी आर ऑफन कॉम्प्लेक्स एंड वाइड रेंजिंग. वन यूजफुल मॉडल टू अप्लाई दैट लुक्स एट द चैलेंज मोर ब्रॉडली एंड हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द बैरियर्स इन टर्म्स ऑफ द स्किल्स, मोटिवेशन, नॉलेज एंड एनवायरमेंट फैक्टर्स. यानी कि जो भी अवरोध आता है डिजिटल पेडागॉजी को या डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाने में, शिक्षा में, उसको हम स्मोक के नाम से याद रख सकते हैं. एज फॉर स्किल्स, हमारे पास स्किल्स नहीं है, मोटिवेशन नहीं है. अच्छा, मोटिवेशन का MO दोनों ले लिया है ना, स्मोक अच्छा नाम देने के लिए और प्रोनंसिएशन के लिए. नॉलेज नहीं है और एनवायरमेंट भी नहीं है ऐसा जो हमको एक्सेल करने में मदद करे. तो स्किल्स, मोटिवेशन, नॉलेज एंड एनवायरमेंट, है ना. फिर कंक्लूजन, वर्ल्ड कैन नेवर बिकम लाइक प्री पैंडेमिक, है ना. ये मान के हमको चलना है कि कभी भी दुनिया अब उस तरीके की नहीं हो पाएगी जैसे हम प्री पैंडेमिक में थे. ये इसीलिए तो न्यू नॉर्मल का कंसेप्ट आ गया ना, कि यही नॉर्मल है और थोड़ा बहुत इधर उधर होगा और हमको इसको अपना के चलना है, और हमको अपना के चलना भी चाहिए. एटलीस्ट इन एजुकेशनल सेक्टर वी कैन नॉट रिटर्न टू टोटली ऑफलाइन एक्टिविटीज, वी हैव टू अडॉप्ट डिजिटल पेडागॉजी एज इट इज़ द न्यू नॉर्मल ऑफ टीचिंग एंड इन सिंक टू अवर स्टूडेंट्स हु आर डिजिटल नेटिव्स. डिजिटल नेटिव्स और डिजिटल माइग्रेंट्स का दूसरा कंसेप्ट आई नो कि आपको विदित होगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू. थोड़ा सा मैटर ज़्यादा हो गया था इसलिए बीच बीच में कहीं मैं थोड़ा फास्ट भी हो गई, बट आई होप दैट इट विल बी क्लियर एनफ टू यू ऑल. ओके, सो डन फ्रॉम माई साइड.